हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ES होम डिजाइन के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 बेडरूम का हाउस प्लान जो कि ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। दोस्तों ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं तो छोटी सी वीडियो है, तो पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले 3D में देख लेते हैं कि किधर कहाँ पे क्या क्या दिया गया है। उसके बाद इसका नक्शा देखेंगे, प्रॉपर डायमेंशन वगैरह देखेंगे कि कितने बाई कितने का रूम है, कितने बाई कितने का किचन है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 3D में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सामने इसका रोड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेस इस तरह से यहाँ पे खाली रखा गया है और यहाँ पे देख सकते हैं इधर लॉन एरिया हो जाएगा और सामने यहाँ पे मेन गेट हो जाएगा और चाहे तो इधर 4-व्हीलर वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे पोर्टिको भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इधर यहाँ पे स्टेप दिया गया है, ठीक है। इस स्टेप से चढ़ के अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग रूम दिया गया है, ठीक है। यदि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसे यहाँ पे आप बैठा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है, इस तरह से सोफ़ा सेट वगैरह लगा सकते हैं और सामने यहाँ पे LCD वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद सामने यहाँ पे देख लीजिए एक बेडरूम दिया गया है, यहाँ पे इसका डोर दिया गया है देख लीजिए और यहाँ पे बेड दिया गया, ठीक है। तो ईस्ट फेसिंग है तो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे बेड लगाया गया है और यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं और यहाँ पे LCD यूनिट वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इस डोर से अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अंदर आप डाइनिंग हॉल में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए सामने इस तरह से ओपन एरिया दिया गया है और इस साइड से यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आएंगे और इधर सीढ़ी दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक डोर भी दिया गया है, इस डोर से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सीढ़ी किस तरह से चढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी किस तरह से यहाँ पे चढ़ते हैं। तो इधर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं पहले तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ये डोर होगा, ठीक है। डोर से अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद इधर आते हैं और यहाँ पे चढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लैंडिंग लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सीढ़ी में किस तरह से चढ़ेंगे, बाहर से आकर के ऐसे करके आएंगे और यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर आएंगे लैंडिंग पे, ठीक है। इसको चौताल भी कहते हैं और यहाँ पे ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए बाहर से भी इधर से सीढ़ी पे अप्रोच दिया गया है। यदि कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो इधर से आकर के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। उसके बाद यदि अंदर से भी चाहें तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे डोर दिया गया है, ठीक है। अंदर से भी आकर के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा, इस तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीढ़ी सेट किया गया है। दक्षिण दिशा में सीढ़ी सेट किया गया है जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दक्षिण पूर्व कोण में, ठीक है, यानी आग्नेय कोण में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किचन यहाँ पे दिया गया है आग्नेय कोण में। इधर सामने पूर्व हो गया, इधर दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व का कोना में यहाँ पे दिया गया है, तो यानी ये आग्नेय कोण में दिया गया है। तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है। किचन यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे देख लीजिए डाइनिंग हॉल से किचन है, किचन का स्पेस भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किचन के सामने यहाँ पे डाइनिंग हॉल दिया गया है और डाइनिंग हॉल में इस तरह से डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं या चेयर वगैरह लगा करके बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामने यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूजा रूम इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए साइड से जगह भी छोड़ा गया है, तो इससे यहाँ पे विंडो भी दिए हैं पूजा रूम के सामने, तो यहाँ से विंडो से डाइनिंग हॉल में प्रॉपर लाइट वगैरह आती रहेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सामने यहाँ पे एक और बेडरूम दिया गया है और इस साइड में यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी स्पेसियस टॉयलेट बाथरूम दिया गया, ठीक है। और यदि चाहें तो टॉयलेट अलग भी बनवा सकते हैं और बाथरूम भी अलग बनवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह है, ठीक है। और यहाँ पे सामने एक वॉशिंग एरिया भी दिया गया है और इस साइड में यहाँ पे देख सकते हैं और एक बेडरूम दिया गया है, ठीक है। ये वाला वैसे साउथ वेस्ट का कॉर्नर में है, यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम यदि अटैच हो जाए तो ये मास्टर बेडरूम के लिए नैऋत्य कोण है, मास्टर बेडरूम काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे प्लान है और ये प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ ये प्लान किया गया है। तो आपने देखा कैसा लगा प्लान, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसका नक्शा देख लेते हैं,
उसमें इसका डायमेंशन वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये जो प्लॉट की चौड़ाई यहाँ पे लिया गया है 43 फीट और लंबाई 60 फीट, ठीक है। और सामने यहाँ पे 21 फीट 5 इंच यहाँ पे जगह छोड़ा गया है और 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे छत का यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा। और इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं 4 फीट का यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा छत पे। और इधर यहाँ पे यदि पोर्टिको वगैरह बनाना चाहें तो ये पिलर के सीधे में यहाँ पे लगभग 14 फीट पे पिलर दे देंगे और इधर यहाँ पे एक पोर्टिको भी बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ पे गाड़ी वगैरह भी पार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सामने अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ पे बरामदे में एंटर हो जाते हैं, इसे आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका साइज है 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट। उसके बाद सामने एक बेडरूम दिया गया है 12 फीट बाई 11 फीट का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस डोर से अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे एक डाइनिंग हॉल दिया गया है 17 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का। और यहाँ पे एक पूजा रूम दिया गया है जिसका साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 1 इंच और यहाँ पे 5 फीट का जगह सामने है पूजा रूम के सामने, तो 4 फीट की यहाँ पे विंडो भी दिया गया है, ठीक है। और इधर 2 फीट का जगह इस साइड से छोड़े हैं नॉर्थ से, तो इससे वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पीछे में 12 फीट बाई 14 फीट का यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है। और इधर यहाँ पे 5 फीट बाई 8 फीट का एक टॉयलेट कंबाइन बाथरूम दिया गया है और यहाँ पे यूटिलिटी या वॉशिंग एरिया कह सकते हैं 3 फीट 2 इंच का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पीछे 2 फीट का जगह छोड़ा गया है और यहाँ पे देख सकते हैं और एक बेडरूम दिया गया है 14 फीट 4 इंच बाई 12 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे सीढ़ी जो बनाया गया है देख सकते हैं, तो सीढ़ी में यहाँ पे वेंटिलेशन सामने इधर से हो जाएगा। और यहाँ पे सीढ़ी में आपको जैसे कि 3D में दिखाए थे ऐसे करके आएंगे और ऐसे करके देख सकते हैं ऐसे करके चढ़ के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है, सीढ़ी जो यहाँ पे सेट किया गया है 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे स्टेप दिया गया है और इस साइड से भी 3 फीट 6 इंच, बीच में 6 इंच का गैप रखा गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पे सीढ़ी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाएगा। और इधर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी का या ये वाला डोर का यूज करेंगे। उसके बाद अंदर से भी यदि जाना चाहें तो ये डोर से भी अंदर से सीढ़ी पे चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हैं। और यहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग आग्नेय कोण में किचन दिया गया है जो कि 11 फीट 11 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का यहाँ पे किचन दिया गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बता दूँ कि ये जो सिंक होता है, ठीक है, सिंक जो है इस साइड में ही लगाना चाहिए। जैसे ये आपको देख सकते हैं इस साइड हो गया नॉर्थ और इधर ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्लैब होता है कॉर्नर, स्लैब का कॉर्नर, ठीक है, वहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। और ये चूल्हा वगैरह जो होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है, इसको ईस्ट फेसिंग लगाना चाहिए, ठीक है। वास्तु के अनुसार ये सही रहता है। इस तरह से आपने देखा कैसा लगा नक्शा, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। यदि आप भी मेरे से नक्शा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे से नक्शा बनवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।